अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रामिस अहमद है और आप जानते हैं कि बहरिया टाउन कराची में प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा प्राइवेट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं और उनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आज की वीडियो मेरे पास उसके हवाले से है और आज हम बात करेंगे कि बहरिया प्राइवेट बिल्डर्स को किस तरीके से बाउंड करता है। और जैसे हमने कराची में देखा कि एक प्रोजेक्ट को बनने में और डिलीवर होने में 7-7, 8-8 साल लग जाते हैं, कोई अथॉरिटी नहीं होती उसके ऊपर, कोई जो है उसके ऊपर जवाबदेह और सवाल करने वाला नहीं होता। तो बहरिया में इस हवाले से क्या सीन है, बहरिया में किस तरीके से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर के कामों को अच्छी तरीके से मैनेज किया जा रहा होता है, उस हवाले से मैंने आज मधु किया है मोमिन साहब को। मोमिन जो है रियल एस्टेट एक्सपर्ट होते हैं हमारे पास रेड बॉक्स में और बहुत अच्छा तजुर्बा रखते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। तो उस हवाले से जानते हैं कि मोमिन, प्राइवेट बिल्डर्स के हवाले से मुझे बताएं कि बहरिया किस तरीके से बाउंड करता है प्राइवेट बिल्डर्स को कि वो प्रोजेक्ट को ऑन टाइम डिलीवर कर दें। देखें, अगर हम बात करते हैं बहरिया टाउन कराची में प्राइवेट बिल्डर्स की, तो मेरा ये मानना है कि इंसान को प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी बाय और सेल करनी चाहिए। उसकी बहुत मेन वजह यह है कि बहरिया टाउन कराची की जो अथॉरिटी है वो उसको बाउंड करती है कि अगर आपने एक अपना छोटा प्लॉट, जैसे कमर्शियल प्लॉट की अगर हम बात करते हैं कि 266 यार्ड का जो आपका प्लॉट है उसको आपने अगर लॉन्च कर दिया है, तो आपको उसकी कंस्ट्रक्शन हर सूरत में 2.5 साल के अंदर कम्प्लीट करनी है। अगर आपने कम्प्लीट इसको नहीं करी तो बहरिया टाउन कराची या बहरिया कहीं का भी अगर आप ले सकते हैं उसको, तो वो आपके ऊपर पेनल्टी लगाता है पर डे के हिसाब से। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपसे बिल्डर ये बात करता है कि मैं आपका प्रोजेक्ट 2.5 साल के अंदर डिलीवर करूंगा, तो इसका वाकई ये मतलब होगा कि वो 2.5 साल के अंदर आपको अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करके देगा। अच्छा, ये वेरी कर रहा होता है, यानी कि अगर कोई 500 गज का कमर्शियल प्लॉट है तो उसकी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, यानी कि वो स्क्वायर यार्ड्स के हिसाब से वेरी कर रहा होता है। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल स्क्वायर यार्ड्स के हिसाब से वेरी। तो मेरे बहरिया टाउन कराची में वैसे दर्जनों बहुत ज़्यादा प्राइवेट काम हो रहा है, बहुत प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसा प्राइवेट बिल्डर जो कि बहुत अच्छी लोकेशन पर कोई चीज़ ऑफर कर रहा है, आपकी पसंदीदा क्या चीज़ है? देखिए, मैं अगर बात करूंगा, अगर अपने हिसाब से मैं बात करूंगा, तो मुझे जो पर्सनली पसंद है वो बहरिया हाइट्स की जगह पसंद है। क्यों? क्योंकि उसके सराउंडिंग में काफ़ी प्रीसेंट, वो काफ़ी सारे प्रीसेंट्स को अपने सराउंडिंग में कवर अप कर रहा है। ठीक, उसमें प्रीसेंट 8, प्रीसेंट 6, प्रीसेंट 10 है, 10B, 11 है, 11B, ये सारे उसके सराउंडिंग्स के अंदर आ रहे हैं। तो बहरिया हाइट्स मतलब आप जिना एवेन्यू ले लें, ठीक, जिना एवेन्यू पे आपका प्रीसेंट 19 आ जाता है, इसको आ देख लें, हेरिटेज कमर्शियल को देख लें, वो कमर्शियल जगह पर आ जाती है। रेजिडेंस की अगर हम बात करें तो जिना एवेन्यू आ गया, पैराडाइज था, पैराडाइज का आप उसका प्रीसेंट देख सकते हैं। तो ये सारे प्रीसेंट वो हैं जो वेल नोन प्रीसेंट्स हैं और आबाद प्रीसेंट्स हैं। उसके अलावा लोगों को बहरिया हाइट्स की अभी इतनी नॉलेज शायद नहीं है। अगर आप जाके अपना बहरिया हाइट्स में 10A और 11A के विलास देखते हैं, तो आपको आइडिया होगा कि वहाँ पर कितनी फैमिलीज ऑलरेडी मूव कर चुकी हैं, कितना वेल नोन, वो कितना वेल डेवलप्ड एरिया वहाँ पर अब वो काउंट होता है। ठीक, बहरिया हाइट्स का जैसे मैंने आपको लोकेशन, उसकी सराउंडिंग्स बताई, तो उसी हिसाब से हम प्राइवेट बिल्डर्स की भी वहाँ पे बात कर सकते हैं। पोजीशन कब दे रहा है बहरिया हाइट्स? सर, पोजीशन इंशाल्लाह अभी इसको कुछ 6 से 8 महीने में इसका पोजीशन मिल जाएगा। अच्छा, मैंने वैसे पीछे अभी हमें कुछ र्यूमर सुनने को मिले थे कि अली रियाज बहरिया टाउन के अंदर मौजूद है, हो सकता है पोजीशन अनाउंस हो जाए, तो मतलब विन विन सिचुएशन है, हो सकता है कभी भी अनाउंस हो जाए, सही है? देखें, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसमें जो टावर ए और एच जिसका पोजीशन मिलने वाला है उसका आप ये समझें कि 98% काम कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ उसका छोटा मोटा जो काम होता है, जो शिफ्टिंग से पहले आपका पोजीशन देने से पहले का काम चल रहा होता है, सिर्फ वो है। 6 से 8 महीने मैंने आपको एक्सपेक्टेड बताया, लेकिन इससे कम में ही आपको इसका पोजीशन मिल दे दिया जाएगा। अच्छा, एक और पॉइंट है मोमिन, हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है बहरिया हाइट्स में, मेरा एक ज़ाती तजुर्बा है, ज़ाती मेरी एक राय है कि देखें, बहरिया हाइट्स है आपको तकरीबन 95 से 1.2 करोड़ तक जो है प्रॉपर्टी वहाँ पर मिलती है, 2-बेड का अपार्टमेंट, 10A 11A के विलाज हैं, कैश पर मिलते हैं आपको 1.5 करोड़ से ऊपर ये विलाज हैं सारे, फिर उसके बाद 10B 11B 125 सारे जो है कैश वाली प्रॉपर्टी है। अगर कोई बंदा इंस्टॉलमेंट पर वहाँ जाना चाहे तो हमारे पास कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट आ रहा है वहाँ पर? बिल्कुल, हमारे पास वहाँ पे प्राइवेट प्रोजेक्ट है। देखें, इंस्टॉलमेंट्स में क्लाइंट को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि अगर आप बात करते हैं, जैसा कि आपने अभी प्रीसेंट्स की बात करी, विलास की बात करी, तो वो वन शॉट पेमेंट के था। ठीक, लेकिन अब जो बंदा है जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है एक साथ, जो वन शॉट पेमेंट नहीं दे सकता है, तो एब्सोल्युटली वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर आएगा। हर बंदा इस टाइम चाह रहा है कि वो बहरिया टाउन कराची मूव करे, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है कि जो भी बंदा वहाँ पे जाता है उसका वहाँ से निकलने का दिल नहीं चाहता है। तो इंस्टॉलमेंट पे कौन से प्रोजेक्ट आए? देखिए, इंस्टॉलमेंट पे अगर हम बात करते हैं तो आपने बहरिया हाइट्स का टावर डी अगर आपने देखा हो, तो बिल्कुल टावर डी के अपोजिट मेरे पास प्रोजेक्ट है, ग्राउंड प्लस 8 का प्रोजेक्ट है और 2-बेड के अपार्टमेंट उसके अंदर 2.5 साल के इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अवेलेबल हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट भी उसमें हमने ऐसी रखी है कि उसको कस्टमाइज रख पाया है, कि कस्टमर के ऊपर हम उस पर डिपेंड करते हैं कि आपको हमने बता दिया कि सर इसके टोटल अमाउंट ये है, ठीक, और इतना इसका पर स्क्वायर फीट रेट है। अब और ये ड्यूरेशन है इसमें, ये इसका ड्यूरेशन है 2.5 साल का, जैसा मैंने आपको बताया। और अब हम उसको कहते हैं कि आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लें, आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है आप मंथली दें, क्वार्टरली देनी है क्वार्टरली दें, सेमी एनुअली एनुअली, मतलब वो जैसा भी आप चाहते हैं वो वैसा उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
तो वैसे ये प्रीमियम लोकेशन है, मुझे लोकेशन बड़ी पसंद आई। प्रीसेंट 8 में अगर आप टावर डी के अपोजिट प्रीसेंट 8 आते बिल्कुल तो ठीक है, अच्छी लोकेशन है। इस हवाले से मुझे मज़ीद डिटेल जाननी है और मैं आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू कॉल करूँगा। श्योर नाज़रीन, आपसे भी मेरी यही इल्तिजा होगी कि अगर आप इस हवाले से कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू हमसे रब्ता करें, मोमिन से रब्ता करें। ये आपको जो है एक अच्छी प्रीमियम लोकेशन है, प्रॉपर्टी प्रीमियम प्रॉपर्टी कहलाएगी। 2.5 साल में आपको जो है 2 बेड अपार्टमेंट मिल रहे हैं, बहरिया हाइट्स के बिल्कुल साए तले आपको अपार्टमेंट मिल रहे हैं। तो जैसा भी है डिटेल जाने, और मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत अच्छी फिजिबिलिटी है। मुझे इजाज़त दें, अपने होस्ट रामिस अहमद को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद वीडियोस लाते रहेंगे अल्लाह ने के बाद।